तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सभी का आपके अपने इस रेलवे YouTube चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिसार के टॉपिक के ऊपर। वापस से दोस्तों हम लोगों ने हिसार का टॉपिक उठाया है। IRTTC 2022 और उसके अलावा 29 जुलाई को हुई जो मीटिंग थी दोस्तों, जो जिसमें कि ZRUCC मेंबर्स की जो वो मीटिंग हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ZRUCC मेंबर जो हैं वो लोग शामिल हुए थे। यानी कि एक तरीके से हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हर शहर के सांसद जो हैं अपनी अपनी मांग को लेकर के जो है उस मीटिंग में इंक्लूड हुए थे, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और उसमें दोस्तों काफ़ी सारी जो मांगे हैं राजस्थान के हर शहर के द्वारा रखी गई थी, हर सांसद के द्वारा अपनी अपनी क्षेत्र के लिए यहाँ डिमांड रखी गई थी। और जिस तरीके से रेल मंत्री जी हर शहर के सांसद या फिर हर स्टेट से जो है किसी न किसी अपने जो पार्टी है उनसे मिलते रहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से मिलते रहते हैं, तो दोस्तों उस दौरान भी जो मांगे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो लोग रेल मंत्री जी तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों बस कुछ इसी तरीके से इस बार हिसार की तरफ से भी अभी जो बिजेंद्र सिंह जी हैं हिसार के यहाँ पे लोकसभा पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनके द्वारा यहाँ पर एक और लेटर जो है यहाँ पे पहुँचाया गया है, जो कि पहले काफ़ी लंबे समय से पहुँचाया जा रहा था। हालांकि रेवाड़ी नारनौल जयपुर सेक्शन को ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, लेकिन अभी इसमें जो है इस रूट को इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भिवानी से लेकर के मथुरा के बीच में चलने वाली जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है 14725-26, उसके विस्तार की यहाँ पर बात की गई है, जो कि आगे हिसार तक एक्सटेंड की जाने की बात यहाँ पर है। उसके अलावा हम लोग बात करें जयपुर जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर 22977-78, और उसके अलावा 12467-68 जयपुर जैसलमेर जयपुर लीलैंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस को नारनौल मार्ग से संचालित करने की यहाँ पर बात की गई है, और उसका एक्सटेंशन हिसार तक करने की बात की है। यानी कि जयपुर से इसको एक्सटेंड करके इसे नारनौल के रास्ते रेवाड़ी होते हुए भिवानी के रास्ते इसको हिसार तक करने की बात यहाँ पर की गई है। 12177-78 हावड़ा चंबल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि मथुरा से संचालित की जाती है साप्ताहिक गाड़ी को, अलवर रेवाड़ी के रास्ते इसको मथुरा तक हिसार तक विस्तार करने की बात की गई है। कोटा हिसार एक्सप्रेस को वाया हंसी भिवानी चरखी दादरी रेवाड़ी नारनौल नीम का थाना के माध्यम से चलाए जाने की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि इसका जो रूट है उसको डाइवर्ट करने की बात की गई है। ट्रेन नंबर 198/07 और 08। सियालदा आनंद विहार पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन दोस्तों राजनीतिक पावर के चलते इस ट्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पे हो सकता है हिसार तक। ट्रेन नंबर 12329-30 का एक्सटेंशन हिसार तक करने की बात की गई है, जो कि एक साप्ताहिक तौर पे गाड़ी है उसको संचालन किया जाता है। और यहाँ के सांसद के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी मांग भी की गई है, जो कि अलवर और रेवाड़ी के क्षेत्रों को क्षेत्र के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अलवर रेवाड़ी क्षेत्र या फिर अलवर बांदीकुई क्षेत्र के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यार दिल्ली NCR के अंदर होने के बावजूद ये जो क्षेत्र है अभी भी दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ के छोटे छोटे जो शहर हैं वो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें अलवर आना पड़ता है या फिर अलवर से सीधा आगे रेवाड़ी या फिर कहीं ना कहीं से बड़ी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनको यहाँ पर बोर्ड करना पड़ता है। तो बस हिसार की मांग यहाँ पर की गई है कि हिसार के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं छोटे छोटे स्टेशन, वहाँ पर कुछ ट्रेनों का ठहराव या पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की जो डिमांड है उसको यहाँ पर रखी गई है। कुछ इस तरीके की डिमांड यहाँ पर जो है वो रखी गई है। साथ ही IRTTC की मांग में जो यहाँ पर मांगे गई थी उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हिसार से इंदौर वाया गंगापुर सिटी दौसा, जब तक ये जो रेल लाइन बन के तैयार नहीं होगी तब तक तो इस ट्रेन का संचालन यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन हिसार से लेकर के इंदौर के लिए सबसे छोटा जो रेल मार्ग है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। उसके अलावा हम लोग बात करें कुछ और ट्रेनें जो हैं यहाँ पर उनकी डिमांड की गई है। वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर लंबा हो चुका है तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएं। मिलते हैं अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।